ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो हम हृदय की शल्य चिकित्सा को बोलते हैं, जिसमें हम हृदय तक पहुंचने के लिए पेशेंट की ब्रेस्ट बोन, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, उसको काट के जाते हैं, या फिर दो रिब्स के बीच में से, पसलियों के बीच में से जाके हार्ट के ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि हार्ट के वैल्व को रिपेयर और बदली करना, आर्टरी ब्लॉकेज के लिए बाईपास के ऑपरेशन करना, हार्ट में जो छेद हैं बच्चों के, जो जन्मजात बीमारियां हैं उनके लिए ऑपरेशन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन हार्ट सर्जरी में आती हैं। ओपन हार्ट सर्जरी को अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम जो हमारा हार्ट होता है उसको बंद करके, जो हार्ट और लंग का फंक्शन है वो एक मशीन करती है जिसको हार्ट लंग मशीन बोलते हैं, उसके द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर जो आर्टरीज के ब्लॉकेज के बाईपास ऑपरेशन है उनको हम हार्ट को बिना रोके धड़कते हुए ही हृदय पे ऑपरेशन कर लेते हैं, जिसको हम ऑफ पंप या बीटिंग हार्ट सर्जरी बोलते हैं। दोनों ही ओपन हार्ट सर्जरी में ही आते हैं। तो ओपन हार्ट सर्जरी में हम जो है दो तरह की बीमारियों को का इलाज करते हैं। एक जो छोटे बच्चों में जन्म से बीमारियां होती हैं जिन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जैसे कि ASD, VSD या हृदय के छिद्र, या फिर हमारी जो मेन आर्टरीज होती हैं उनकी अदला बदली हो जाती है, उनको ठीक करना, या फिर जो हमारी आर्टरीज में रुकावट होती है बचपन से उनको ठीक करना जैसे, और या फिर जो ब्लू बेबीज़ जिनको आम भाषा में बोलते हैं टेट्रोलॉजी वाले बच्चे, उनके इलाज ऑपरेशन को हम ओपन हार्ट सर्जरी में करते हैं। दूसरी बीमारियां जो होती हैं वो हम बड़े लोगों में जो जन्म से नहीं होती, लेकिन हमें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उन बीमारियों को एक्वायर कर लेते हैं, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जिसमें हमारे हृदय के वैल्व जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या तो वो सिकुड़ जाते हैं या वो लीक करने लगते हैं, उनका इलाज, उनका रिपेयर या उनका रिप्लेसमेंट, या फिर जो हार्ट में हमारे ट्यूमर्स हैं उनका इलाज, या फिर क्लॉट जम गया है उसका इलाज, या फिर जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हृदय को हमारी खून की नसें खून सप्लाई करती हैं, उनमें जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से और कैल्शियम की वजह से, उनको बाईपास के द्वारा ठीक करना, ये सब ओपन हार्ट सर्जरी में इंक्लूडेड है। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो हार्ट की जो सर्जरीज हैं उनमें अब पुराने आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले जो रिस्क होता था उसके मुकाबले अब रिस्क काफ़ी कम हो गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका एक कारण, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारी एनेस्थीसिया की मशीन्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारी दवाइयों में जो इम्प्रूवमेंट आया है, नई दवाइयाँ आ गई हैं, और दूसरा कारण है कि हम लोग अब बीमारियों को जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं। अर्ली डायग्नोसिस जो है किसी भी बीमारी को इनिशियल स्टेज में पकड़ लेना और उसका इलाज करना जो है, उसके कारण जो हमारा रिजल्ट होता है वो जाहिर सी बात है वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो अर्ली डायग्नोस्टिक इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ द मशीन्स एंड आर्मामेंटेरियम अवेलेबल टू द सर्जन, और जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं वो अगर हम कम कर लें तो हमारे जो ऑपरेशन के दौरान रिस्क हैं वो खतरे जो हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा एक कारण जो है वो है रिस्क का, जो कारण है वो है कि जो हमारे मरीज हैं वो हमारे पास कब आते हैं। अगर वो लेट स्टेज में आएंगे तो जाहिर सी बात है रिस्क अधिक होता है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो जो बड़े लोग हैं जिनमें हम ऑपरेशन करते हैं उनमें 1-3% तक मृत्यु होने का चांस होता है, और जो बच्चे होते हैं उनमें भी लगभग अब जो है रिस्क जो है हमारा 1-3% ही होता है। ओपन हार्ट सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बेसिकली हमारे पास ब्लीडिंग है, रीनल फेलियर है जिसे हम किडनी फेलियर बोलते हैं, और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद जो हृदय की धड़कन है वो अनियमित हो जाती है, जिसको एरिथमियाज बोलते हैं, जिससे जो कई लोगों में जिनका हार्ट का फंक्शन काफ़ी ख़राब होता है या स्थिति काफ़ी ख़राब होती है उसमें वो जानलेवा भी कभी कभी सिद्ध हो जाते हैं, ऐसी हमारी धड़कन हो जाती है हृदय की। और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लो कार्डिक आउटपुट, जिसकी वजह से, क्योंकि हृदय जो हमारा है वो हमारे शरीर के हर अंग को सपोर्ट करता है खून सप्लाई करके, अगर हृदय ही ठीक से काम नहीं करेगा तो बाकी के ऑर्गन्स जो हैं वो भी परेशान होते हैं और उनमें भी दिक्कत होती है। और एक दूसरी परेशानी होती है स्ट्रोक होने की, स्ट्रोक होने के चांस जो है किसी भी हार्ट सर्जरी के बाद स्ट्रोक होने के चांस रहते हैं,
तो ये एक जो मोटे मोटे से कॉम्प्लिकेशन है, स्ट्रोक, ब्लीडिंग, एरिदमियाज, यही जानलेवा हो सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी से रिकवर होने के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मरीज़ की उम्र कितनी है। मरीज अगर जवान मरीज है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है, बनस्पत की जो व्यक्ति 70 साल का है या 65 साल का है या उससे बड़ा है तो उसमें जो रिकवरी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। आपने किस बीमारी के लिए और किस बीमारी के किस स्टेज पे ऑपरेशन किया है वो भी निर्भर करता है उसकी रिकवरी में। हार्ट की कंडीशन कैसी थी, हार्ट का फंक्शन कैसा था ऑपरेशन करने से पहले, अगर नॉर्मल फंक्शन था, बीमारी थी और तो जाहिर सी बात है मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा, ख़राब फंक्शन था तो लेट ठीक होगा। डायबिटीज़ है, ओबिसिटी है, मरीज स्मोकिंग करता था कि नहीं करता था, उसके फेफड़े कैसे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है मोरल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के अंदर इच्छा शक्ति ठीक होने की और जल्दी घर जाने की कैसी है, इसके ऊपर भी हमारे जो रिकवरी है वो डिपेंड करती है। सामान्यतः 10-12 दिन में मरीज अपने काम पे लौट सकता है जो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, लेकिन अब एक नई तकनीक है जिसको हम मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें एक छोटे से चीरे से हम ऑपरेशन कर देते हैं जिसको की होल भी बोल सकते हैं। उसमें जो मरीज है तीसरे दिन घर चला जाता है और 5वें-6वें दिन अपने काम पर जा सकता है।